अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईके और आप देख रहे हैं ईके शो। मैं आपको ईके शो में खुश आमदीद कहता हूं। ये मेरे दोस्त सारे ईके के नाम से जानते हैं। ये सब मुझे रोबोट समझते थे। रोबोट क्या है, ईके क्या है, इंजॉय किड्स, ये शो हम क्या कर रहे हैं, इस शो में क्या होगा, आज कौन आपसे मिलने आएगा, क्या बातें होंगी, ये मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटी सी कहानी में। तो आओ दोस्तों सुनो एक कहानी, सुनाता है ईके तुमको अपनी जुबानी। एक था ईके और थे ईके के साथी, ईके और साथियों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। रहता था ईके की सोच पर पैरा, लगन थी सच्ची और अजम था गहरा। हर पाकिस्तानी बच्चे के अम्मी अब्बू की सदा आए, कोई एक चैनल तो पाकिस्तानी बच्चों की प्रोग्रामिंग लाए, कोई एक चैनल तो पाकिस्तानी बच्चों की प्रोग्रामिंग लाए। बच्चों को अपनी उर्दू जबान और पाकिस्तानी कल्चर सिखाए, ये सोच सोच के ईके का दिल डूबा जाए। साथ ही बैठे शोर मचाएं, पाकिस्तानी बच्चों का चैनल लाएं, पाकिस्तानी बच्चों का चैनल लाएं। ईके जान कार्टून लाया, साथियों ने भी बढ़ चढ़ के चंदा तारे बनाया। हर बच्चा देखता जाए, अम्मी अब्बू का भी दिल लगाए, एक ही आवाज आती जाए, पाकिस्तानी बच्चों का चैनल बनाएं, पाकिस्तानी बच्चों का चैनल बनाएं। बच्चों की दुआओं ने दिखाया कमाल, अल्लाह हुआ मेहरबान। अभी के बैठा करें एंजॉय, साथी किड्स की तरह शोर मचाएं, अब बच्चों का चैनल बनाएं, अब बच्चों का चैनल बनाएं। ईके ने बच्चों का चैनल बनाया, साथियों ने भी बावर्ची बच्चे बनाया, आपने कराया उसको भी हिट यू बना। एंजॉय किड्स, अब बच्चों का दिल डूबा जाए, घर में बैठे शोर मचाएं, हमें अपने चैनल में लाएं, हमें अपने चैनल में लाएं। फिर से ईके ने दिमाग चलाया, साथियों से मिलकर ऑडिशन का प्लान बनाया, क्यों ना बच्चों को इकट्ठा किया जाए, एक्टिंग होस्टिंग टैलेंट दिखाया जाए। सारे पाकिस्तान से बच्चे आए, मगर छोटे बड़े की एक ही आवाज आए, चंदा तारे की कास से मिलवाएं, सुबह मुबारक बावर्ची बच्चे का सेट दिखाएं। ईके का दिल फिर घबराए, साथी फिर शोर मचाएं, प्रोग्रामिंग और बढ़ाएं, सारे बच्चों को चैनल में लाएं। ईके ने 5 चिलीज बनाया, साथियों ने क्लासरूम सजाया, फिर भी कुछ ना बन पाया। हर बच्चा ऑडिशन फॉर्म भेजता जाए, सारे पाकिस्तान से बच्चों की आवाज आए, हमें स्टूडियो बुलाएं, हमें स्टार से मिलवाएं, स्टार। ईके का दिल रोशन होता जाए, जैसे कबूलियत की दुआ भर आए। साथी फिर से शोर मचाएं, सबको स्क्रीन पर लाएं, पाकिस्तानी बच्चों को स्टार बनाएं। ईके ने रमजान स्टार बनाया, बच्चों को वीडियो बनाना समझाया, सबको समझ फिर भी ना आया, बच्चों ने ईके को रच के सताया, मगर ईके के माथे पे कभी बल ना आया। हर शहर से बच्चा उठता जाए, नई नई डिमांड्स करता जाए, मेरे ऑडिशन का बताएं, कराची में शो लाएं, नया कंपटीशन शुरू करवाएं, बगैर जीते रमजान स्टार का प्राइज दिलाएं, चंदा आप ही से बात करवाओ, ईके मेरा फोन उठाओ, ईके मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ, ईके आप लड़की हो या लड़का ये बताओ। ईके बैठा सर खुजलाए, साथी बैठे शोर मचाएं, पाकिस्तानी बच्चों को हक दिलवाएं, हर एक को एंजॉय किड्स में लाएं,
अब ईके खुद मैदान में आया, आप सबके लिए ये शो सजाया। अब हर बच्चा आता जाए, अपना टैलेंट दिखाता जाए, अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलता जाए, जीते मजे मजे के गिफ्ट्स, एंजॉय किड्स होगी अब हर बच्चे की पूरी विश। बस देखते रहो ईके। आई समझ आपको? नहीं आई, मुझे अच्छी तरह से पता है आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता दूं हमारे शो का है क्या। पाकिस्तान के बच्चे, बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चे हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ हैं, वो चाहते हैं बहुत कुछ करना। ये लोग स्टूडियो जाना चाहते हैं, ये लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, ये लोग गेम्स खेलना चाहते हैं, ये लोग अपने फेवरेट स्टार से मिलना चाहते हैं, ये लोग चंदा तारे का हिस्सा बनना चाहते हैं, फाइव चिलीज में आना चाहते हैं, सारा मिनाल होस्टिंग कुकिंग ये लोग सब करना चाहते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें ये लोग आएं और कुछ कर दिखाएं। पाकिस्तान में हमने कोशिश की कि हम आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम आपको अपने साथ शामिल करें, आप लोग अपने टैलेंट दिखा पाएंगे, आप हमसे इंटरेक्ट हो पाएंगे। इससे पहले जो आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, आपको होता था कि यार हम नज़र नहीं आए, तो आप लोग नज़र आएंगे इस प्लेटफॉर्म में। आज हम रिवील करेंगे रमज़ान स्टार का रिज़ल्ट तीनों प्लेटफॉर्म्स का। आज हम आपको बताएंगे कि अगली वीडियोस आप कैसे भेज सकते हैं, अगला कंपटीशन क्या है, और आपके साथ हम खेलेंगे बहुत सारी गेम्स, उसमें हिम्मत ना हार है, उर्दू की चाल है, और फुटबॉल की आवाज़ है। और सबसे बड़ी बात, आज हम बुलाएंगे आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी को, और ये सिर्फ आज नहीं बुलाएंगे, हम अपने हर शो में ये सब कुछ किया करेंगे। अब हम बाकायदा से अपने शो का आगाज करेंगे। इस गेम का नाम है हिम्मत ना हार। इसके लिए आपको काफी ज्यादा हिम्मत चाहिए, तो अभी मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद आप जब देख लेंगे तो हम तीन कंटेस्टेंट्स आप में से सिलेक्ट करेंगे जो ये गेम खेलना चाहेंगे। फिर जब ये गेम शुरू होगी तो टिकिंग क्लॉक शुरू हो जाएगा, सबसे जल्दी जिसने इस गेम को कंप्लीट किया उसको हम देंगे फुटबॉल या बास्केटबॉल, इनमें से कोई एक चीज़ भेजेंगे। तो आपको ये हमारा इंजॉय किड्स का बैंड जो नज़र आ रहा है, जो ताकत देता है आपके मसल को, वो आपको मिलेगा। ये गेम यूं है, कुछ बॉटल्स को ये रख लिया, मैं देखता हूं कि मैं कितनी देर में करता हूं। तो ये एक हो गई, और यस दूसरी हो गई, और ये तीसरी होगी। यस 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 30 सेकंड में रिकॉर्ड है बच्चों ईके का। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाथ खड़ा करे कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है इस गेम में। हाथ खड़ा किया ब्लू शर्ट वाला बच्चा जरार है। अली असगर मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त अली असगर तीसरा कंटेस्टेंट। हाँ वो शाबाश, निशा ने हाथ खड़ा कर दिया है। निशा को लेके आए प्लीज। जी मैं कर सकती हूँ, मैं ट्राई करूंगी, मेरे पास एक बॉटल है सिर्फ, लेकिन मैं 3 दफा वो कर लूंगी शायद। ओके जबरदस्त, कोई मसला नहीं निशा। अब हम करते ये हैं कि हम शुरू करेंगे, सबसे पहले जरार से हम शुरू करते हैं। अच्छा जरार, yes, sir. ये फेंकी, यस जबरदस्त हो गया। अब हम गेम शुरू करते हैं जरार की, 3 2 1 स्टार्ट।
यस जबरदस्त कम यस हिम्मत ना हार चल मेरे यार बन जा शाहकार शुरू कर दे आज दिखा दे सबको यस और जरार चल रहा है शाबाश जरार और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो यस ये हुआ मुझे लगता है जरार मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा जरार नहीं नहीं जरार नहीं यस जरा नहीं अभी तो चल शाबाश जरार हिम्मत यस हिम्मत ना हार चल मेरे यार कर दे यार पार और बन जा शाहकार जरार और ये जरार ने कर दिया कितने सेकंड 42 सेकंड में जरार ने किया है तो जरार के लिए बहुत सारी तालियां जरार मैं खुश हूं कि तुम इक्के का रिकॉर्ड तुमने नहीं तोड़ा उसके लिए आई लव यू 42 सेकंड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है मैं फिर से जरार के लिए तालियां जरार खेल चुके हैं 42 सेकंड में जरार ने अपना टास्क अचीव किया है अभी हम जा रहे हैं निशा की तरफ देखते हैं अगर निशा ने 42 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट किया तो निशा नंबर वन पे आ जाएंगी निशा के पास तीन बॉटल्स नहीं है सिर्फ एक बॉटल है वो एक ही बॉटल को तीन दफा गिराएगी जो कि हमें कोई इश्यू नहीं है तो अब हम चलते हैं निशा की तरफ तो निशा हम अब शुरू करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट निशा का और नहीं और खत्म हिम्मत ना हार एक हो गया निशा वो जब खड़ी हो जाए बॉटल उसको खड़ा हो उफ निशा तुमने मिस कर दिया निशा 2 हो गए हैं मेरे पीछे पूरी टीम ने कहा है लेकिन निशा एक बॉटल खड़ी हो तो उसको खड़े होने देना क्योंकि बच्चे बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बहुत ज्यादा हमें वो आ जाता है हाँ एक होने दो निशा होने दो फिर स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्यों बॉटल नहीं खड़ी हुई सोचो इसको बैलेंस करने की कोशिश करो क्योंकि इसका नाम है हमारी गेम का नाम है हिम्मत ना हार चल मेरे यार हो जा तैयार कर दे कुछ बड़ा मेरे यार कर दे यार पार बन जा शाहकार हिम्मत ना हार जी निशा शाबाश निशा निशा पेशेंस सोचो देखो यही इस गेम का मकसद है सोचो स्ट्रेटजी बनाओ कि एक दफा हुआ क्यों हुआ हाँ तुक्के पे नहीं रो उसकी बैलेंस को समझने की कोशिश करो शाबाश निशा आप कर सकती हो आप कर सकती हो निशा 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 तुम कर सकती हो शाबाश निशा उसको थोड़ा सा समझो टाइम को ना फिक्र करो तुमने टास्क पूरा करना है 2 दफा कर चुकी हो उसको थोड़ा आराम से करो हाँ थोड़ा कुछ स्ट्रेटजी यस देखा 1 मिनट 40 सेकंड में निशा ने किया निशा के लिए बहुत सारी तालियां पहली 2 बॉटल्स आपने की 10 सेकंड के अंदर आखिरी बॉटल आपने की तकरीबन 1.25 मिनट के अंदर इस गेम का मकसद ये था निशा हिम्मत ना हार एक तो ये उस वक्त तक आपने जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए वो ये कि कभी हिम्मत नहीं हारनी आप करते रहें जैसे अभी आपने किया अब हम चलते हैं अपने आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ वो है अली असगर अली रेडी हो यस सर रेडी अभी हम शुरू करते हैं 3, 2, 1 शुरू अली यस ओ 1 कर लिया अली ने जबरदस्त और अली चल रहा है हाँ अली बॉटल जब खड़ी हो तो उसको खड़े होने देना है 1 आप कर चुके हो अली जब बॉटल खड़ी हो हाँ जरा उसको दूर फेंको हाँ अपने से अवे नहीं नहीं ये वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हाँ थोड़ा सा दूर शाबाश ट्राई करो 2, 1 और अली कर सकते हो मैं यही कह रहा हूँ अली वो आपकी बेटा अली थोड़ा सा दूर रखो हाँ इस जगह पे अली की बॉटल भी जरा बड़ी है
अली के और दो दफा अली ने कर लिया, शाबाश अली। एक तुम्हारे पास टाइम है, करो 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 करो। अली तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी। और ये आखिरी, ओ हो गया, हो गया, नहीं हुआ। आपकी बॉटल अली थोड़ा दूर हो जाती है, बड़ी हो जाती है आपके लिए। और तो ट्राई करते रहो अली, करना है आपने, दो दफा आप कर चुके हो, करना है। मकसद ये नहीं है कि जीतो या हारो, लेकिन मकसद ये है कि हिम्मत ना हारो। इस गेम का मकसद सिर्फ यही है कि कभी हिम्मत ना हारो। तीन हो गए, अली ने किया है 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर। अली के लिए बहुत सारी तालियां। तो हमारे जो आज के विनर हैं वो हैं जरार मेहंदी, जिन्होंने ये टास्क अचीव किया है 42 सेकंड्स, 42 सेकंड के अंदर। बहुत सारी तालियां जरार। जरार कुछ इस किस्म का फुटबॉल जीत चुके हैं। थैंक यू सर। क्या चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बास्केटबॉल चाहिए? सर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल तो बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए? सर बड़ा। आप फिर भी सोच लेना, बड़ा कहोगे बड़ा भेज देंगे, छोटा कहोगे छोटा भेज देंगे, साथ में बैंड तो आएगा ही आएगा जी। तो अच्छा, ये कैसी लगी आपको गेम जरार और बाकी बच्चे? यस सर, बहुत आया मजा। सर बहुत मजा आया, बहुत अच्छी गेम थी। और ये जो मेरे दोस्त हैं ये साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया इन्होंने, उनके लिए तालियां। निशा और अली असगर के लिए आज हम रिवील करेंगे रमजान स्टार का रिजल्ट। मोबाइल ऐप में टॉप 5 कंटेस्टेंट रमजान स्टार के, वो कौन थे? उसमें अली असगर था। मैं तो मती हूं ऐशा ए उमन। उसमें निशा हैदर थी। मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। उसमें रिदा रहमान थी। उसमें पिंकी एंड रौनक दो बहनें थी। उसमें आयरा जारा थी। हम इनके कमेंट्स भी लेंगे और ये कैसा फील कर रहे हैं कि ये आज जीतेंगे तो क्या होगा, नहीं जीतेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जीतना तो किसी एक ने है। अली असगर मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। अली असगर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल है अली? सर ठीक है। आपका तो नाम ही इतना जबरदस्त है अली असगर। अली तो क्या करते हो आप, पढ़ते हो? यस सर पढ़ता हूँ, सिक्स क्लास में सनर्सी मसूबों में पढ़ता हूँ। आप किस शहर में, कहाँ रहते हो अली? सर कराची में रहता हूँ। कराची में। अली आपने कौन सी वीडियो भेजी थी हमें? सर मैंने नाथ की वीडियो भेजी थी आपको। वो नाथ की वीडियो भेजी थी, वो जो रेड कलर के तुमने वो लगाए हुए थे हेडफोन्स। हाँ देखा, बड़ा क्यूट लग रहा था ये। मैंने कहा यार ये वीडियो चलाओ, ये क्यों नहीं आप चलाते? मैं जब एडिट पे बैठा करता था तो ये जो एडिटर्स थे वो कह रहे थे सर ये अभी बच्चे ने नाथ पढ़ी है साइड में। यार इतना प्यारा बच्चा है, आप लोग इसकी वीडियो चलाओ इसकी फौरी। फिर आपकी वीडियो चली, बहुत सारे लोगों ने पसंद की और आप टॉप 5 कंटेस्टेंट में आ गए हैं। अली और क्या चाहिए यार? सर मुझे टॉप 1 में आना था। टॉप 1 में? यस सर। तो टॉप 1 में हो सकता है आ जाओ तो सही है ना।
तो जीत तो गए हो, टॉप फाइव में आए हो। कितने 100 बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है? जो जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है वो जीता है। और आप जितने हैं जो टॉप फाइव कंटेस्टेंट्स हैं, अभी आप सबको यहाँ पर स्टूडियो में बुलाना है। स्टूडियो में बुला के आप सबको आपके फेवरेट एक्टर चंदा तारे देखते हो? यस सर, देखता हूँ। चंदा तारे में सबसे फेवरेट कौन है? चिंटू। चिंटू, जबरदस्त होगी। तो मैं यहाँ पर किसी अगले या उससे अगले एपिसोड में मैं चिंटू को बुलाऊंगा और आपकी पहले उसके साथ ऑनलाइन मुलाकात करवाऊंगा। और अगर आप चिंटू के नाम कोई भी मैसेज भेजना चाहते हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर अपना मैसेज भेजोगे, मैं चिंटू को भेजूंगा, चिंटू का वॉइस नोट आपके लिए वापस मंगवाऊंगा। तो आप अभी मेरे साथ ही रहो, हम चलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। तो निशा, आप टॉप फाइव मोबाइल ऐप में आपने जो नात पढ़ी थी आपको याद है? जी मुझे याद है। हमें थोड़ी सी नात सुनाओगी? एक मिनट में दुपट्टा पहन लो। हाँ पहन लो, बिल्कुल पहन लो। निशा जो है वो दुपट्टा पहन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों आप सब देख रहे हैं कि आपने नात पढ़नी हो, हम्द पढ़नी हो, कुरान पाक की तलावत करनी हो, तो ये एक एहतराम का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जितनी लड़कियां हैं वो एहतरामन अपना सर दुपट्टे से ढांप लेती हैं। तो निशा अब अपना दुपट्टा ढूँढ रही होंगी, कोई अम्मी को कह रही होंगी कोई दुपट्टा पसंद आ गया, मुझे लग रहा था, नहीं तो ये ठीक नहीं है दुपट्टा, वापस ले जाए, अम्मी क्या कर रही है, अम्मी दूसरा दुपट्टा दो, अम्मी तीसरा दुपट्टा दो करके। लेकिन निशा फौरी जल्दी वापस आ गई और निशा माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है, दुपट्टे के साथ भी और दुपट्टे के बगैर भी। तो निशा हमें थोड़ी सी अपनी सुनाइए कुछ, आपने जो नात पढ़ी थी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। बहुत अच्छे, शाबाश, तालियां, बड़ा अच्छी आपने माशाल्लाह नात पढ़ी और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। निशा आपको पता कैसे चला था कि ये रमजान स्टार कंपटीशन होने लगा? मैं आपका चैनल फॉलो करती थी, चंदा तारे मेरा फेवरेट शो था, तो जब मैंने खोल के देखा तो मुझे वीडियो मिली तो मैंने पार्टिसिपेट करने का सोचा। तो जब आपने अम्मी को बताया होगा या अब्बू को बताया होगा कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो उन्होंने क्या इनकरेज किया कि हाँ बेटा करो, या उन्होंने मना किया, क्या हुआ? उन्होंने मुझे इनकरेज किया, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया और दे हेल्प मी टू डू दिस वीडियो। जबरदस्त, ऐसे सारे पेरेंट्स के लिए तालियां जो अपने बच्चों को अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करते हैं। निशा एक बात बताओ, आप को क्या लगता है आप आज जीतोगी? नो आइडिया, क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं और उनको भी आता होगा मुझसे ज्यादा, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेरी नजर में तो वो हर बच्चा जीता हुआ है जिसने रमजान स्टार में पार्टिसिपेट किया और उसकी वीडियो हमारे चैनल पे चल गई, वो जीत गया। ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, उनमें से किसी एक ने जिसको व्यूज़ किसी को ज़्यादा मिल गए, किसी को कम मिल गए, और व्यूज़ भी की भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं मिलने की। तो मेरी नज़र में तो वो सारे बच्चे विनर हैं जिन्होंने रमज़ान स्टार में पार्टिसिपेट किया और उनकी वीडियो अपलोड हुई और लोगों ने देखी, और अभी तक वो मौजूद है और इंशाल्लाह जब तक मौजूद रहेगी लोग देखते रहेंगे, असल मकसद वही था। अगर आप फर्स्ट प्राइज़ ना ले पाई तो क्या आप डिसहार्ट होगी या खुश होगी, या मतलब कहोगी नहीं आगे ज्यादा मेहनत करूंगी? मैं खुश होंगी। वेरी नाइस, शाबाश, यही पैशन होना चाहिए सबके अंदर। और खुशी की वजह क्या होगी? डेफिनेटली निशा यही वजह होगी कि मैं यही, क्या 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 निशा तुम्हारी फीलिंग भी यही है जो मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक तुम पहुँच गई यही बहुत बड़ी जीत है और इसके बाद आगे और मेहनत करोगी ताकि कभी फर्स्ट प्राइज भी ले सको? जी मैं और मेहनत करूंगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया निशा के लिए, बहुत सारी तालियां। हम चलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ।
आयरा जाहरा, आप कैसी हो? ठीक हो? जी बिल्कुल। आयरा, इससे पहले हार जीत का फैसला हो, आपने कैसे यहाँ पर आई? पहले ये बताओ, आप गायब कहाँ थी? आप ग्रुप में हो नहीं क्या? जी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ। तो आप क्या देखती नहीं हो? आप फॉलो नहीं कर रही थी जो हम अपने रिजल्ट कार्ड्स भेज रहे थे, रिपोर्ट कार्ड्स आपको भेज रहे थे कि आप टॉप में आ रही हो, टॉप में आ रही हो? आपको बड़ा ढूंढना पड़ा, आपका ना कोई ना नंबर था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। हमने काफी दफा अनाउंस किया। नहीं पता नहीं, वो हमें अभी बहुत पिछले दिनों फोन आया कि उससे पहले कुछ भी नहीं आया था। ग्रुप में आपको रिपोर्ट कार्ड्स नहीं मिल रहे थे? इसका मतलब है मैं चेक करूंगा आपका नंबर, हो सकता है बाय मिस्टेक आप ग्रुप से आउट हो गई हो या हमसे कुछ ऐसा हो गया हो। मैं आपका नंबर लेके दोबारा से आपको ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। उस ग्रुप का यही फ़ायदा है कि उसमें आप मैसेज भेज नहीं सकते, उसमें आप सिर्फ देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स और आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि बच्चे जितने भी हमारे दोस्त हो बड़े शरीर हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। आयरा, आपने क्या वीडियो भेजी थी? आपने कुकिंग की थी, नात पढ़ी थी, क्या किया था? मैंने कुकिंग की थी, पैरी बाइट्स बनाए। पैरी बाइट्स बनाए थे? ओ जबरदस्त, पैरी बाइट्स। पैरी बाइट्स मीठे होते हैं ना? नहीं मीठे नहीं होते, बस सेवरी होते हैं, जैसे सॉल्टी स्टाइल। पैरी पैरी मिर्ची 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 है ना, चिलीज। सही है, मुझे खुद बड़े पसंद है पैरी बाइट्स। वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था कि आयरा खुद वीडियो कुकिंग की है या तुम्हारी अम्मी ने की है। खैर ठीक है, जब पता चला कि मैं कंटेस्ट हो रहा है रमज़ान स्टार, तो खुद ही फैसला किया कुकिंग की और कुकिंग करके हमें भेज दी, या अपने अम्मी अब्बू से इजाज़त ली और फिर हमारे पास वीडियो भेजी? मैंने अपने मामा से पहले इजाजत ली, फिर उन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, तो फिर उससे पहले ही हम लोगों का एक प्लान था, हम लोग पैरी बाइट्स बनाएंगे। तो मामा ने कहा कि वीडियो में ही बना लो पैरी बाइट्स, तो फिर तभी मामा बड़ी तेज है, मामा ने कहा ये कहीं ये ठीक है, हमने पैरी बाइट्स बनाने, हमारे पैसे ज्यादा ना लगे, इंग्रेडिएंट्स आ रहे उसी में बना लो वीडियो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मामा आपकी बड़ी समझदार है। तो हमने वीडियो बनाने का एक तरीका भेजा था कि वीडियो कैसे बनानी है, वो आपने देखा था? जी देखा था। हेल्पफुल था वो? काफी ज्यादा हेल्पफुल था। काफी ज्यादा हेल्पफुल था? हाँ ओके, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हम इस तरह की जो एफर्ट करते हैं वो बच्चों के काम भी आती है कि नहीं आती। अच्छा ये बताओ मुझे आयरा, आयरा जाहरा, आयरा कि मैंने इससे पहले ये नाम नहीं सुना आयरा। पहली बात ये बताओ कि क्या हम इसको ठीक प्रोनाउंस कर रहे हैं, आयरा ही है या आयरा है? नहीं आयरा ही है। आयरा का मतलब क्या है? इसका मतलब है respectable। Respectable? जी। माशाल्लाह respectable, बहुत अच्छी बात है। सबकी इज्जत करना और इज्जत हासिल करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इंसान ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इसी पे वक्फ करता है कि मैं इज़्ज़त हासिल करूं। आप आज माशाल्लाह जहां पर बैठी हुई हो, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी है, मुकाम दे दिया है। अब आप ये बताओ कि आप जीतोगी फर्स्ट प्राइज़ तो क्या कितनी खुश होगी, अगर फर्स्ट प्राइज़ ना जीत सकी तो अफसरदा होगी, क्या आपकी फीलिंग होंगी आयरा? अगर मैं ना भी जीती तो मैं अपने आप से मतलब प्राउड फील करूंगी कि मैंने तो अपनी बेस्ट की थी, अब बाकी लोगों ने मुझसे अच्छा कर लिया। सबसे पहले तो ये कि जीतने के बाद अगर तुमने पागल होना है तो हम कहेंगे कि अल्लाह ना करे तुम जीतो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप पागल हो। आप बिल्कुल, हम चाहते हैं इसी तरह से माशाल्लाह बहुत समझदार हो। लेकिन दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप नहीं जीती तो और कोशिश करेंगी, खुश होंगी। तो हमारी आयरा से बात होगी, आयरा आपने हमारे साथ रहना है, हमारी निशा से भी बात होगी, निशा आपने भी हमारे साथ रहना है। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि मोबाइल ऐप पे जो हमारी 5 कंटेस्टेंट्स थे उनमें जो 5 आयरा जायरा, अली असगर, निशा हैदर, रिदा रहमान, पिंकी एंड रौनक, तो जो हमारी मोबाइल ऐप की विनर हैं, रमज़ान स्टार की विनर मोबाइल ऐप, वो है आयरा जारा।
आयरा जारा के लिए बहुत सारी तालियां। हमारे साथ मौजूद हैं रौनक और पिंकी। अच्छा, आप में से पिंकी पिंकी कौन है, हाथ खड़ा करे। ओके, ये पिंकी है। और रौनक कौन है? ओके, जबरदस्त। पिंकी और रौनक, पिंकी और रौनक, आपने प्रोग्राम देखा, आपको क्या फील हो रहा है कि आप टॉप फाइव में आई लेकिन आप फर्स्ट प्राइज नहीं ले पाई, तो क्या फीलिंग्स क्या हैं? सैड हो, खुश हो कि मैं पहुंची, आगे पहुंचूंगी, आगे स्ट्रगल करूंगी, तो क्या फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? आई थिंक इट्स गुड कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड आई थिंक इट्स बेटर कि हमने पार्टिसिपेट किया, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई। और हमारा ये भी प्रॉब्लम था कि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी लेट हुई थी। हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुए हैं। मैं यही सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, असल में इस प्लेटफॉर्म तक, इंजॉय किड्स तक अपना वीडियो पहुंचाना और अपलोड करना, आप बिलीव करें, मेरा यकीन करें, हज़ारों के हिसाब से हमारे पास वीडियोस आए थे और वो अपलोड नहीं हो पाए। तो आप लोगों का वीडियो अपलोड हो जाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो आप उसके विनर हैं। ये आपका व्यूज़ जो हैं वो सेवरल रीजन्स होते हैं, तो उससे आप बिल्कुल वो ना करें, क्योंकि आप हमारा ई के शो बनाइए, आगे कंपटीशन आते जाएंगे और चीज़ें होती जाएंगी, और हम उसमें से देख देख के आगे बच्चों को जो जिसमें जहाँ जिसका टैलेंट है उसको हम अपने साथ लेके आते रहेंगे। पिंकी और रौनक, आप लोग कुकिंग करती हो मैंने देखा है, प्रोडक्शन डिज़ाइन भी आपका बड़ा अच्छा होता है, तो ये आपका पैशन है, शौक है, क्या है ये? बस जनरली घर कुकिंग कुछ खास आती नहीं है हमें, लाइक कटिंग भी है प्रॉब्लम इन दिस, बेकिंग बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कुकिंग भी अच्छी लगती है, बट बेकिंग में स्टडीज पे मामा ज्यादा वो करती हैं कि ज्यादा स्टडीज पे फोकस। अच्छा, हमें कुकिंग मतलब कुकिंग का तो शौक है, बट कुकिंग करते हुए होस्टिंग में मजा आता है, जब हम सिखाते हैं। वी डोंट वांट टू कुक विद वीडियो, जब मामा वीडियो बनाती हैं तब हमें मजा आता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, असल मज़ा वो है कि कुकिंग में नहीं है, उस वक्त होस्टिंग करते हुए मज़ा आता है। इसी तरह से बहुत सारे मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ तमाम बच्चों को, कि हमने एक अभी हम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं कि जो रमज़ान स्टार में हमें बहुत सीरियस बच्चे नज़र आए जो कुकिंग में बड़ा पैशन है उनका, तो हम शायद उनको चूज़ करके उनके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स का मौका दें उनको, अभी उस पर काम हो रहा है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमारे जितने बच्चे हैं सारे वो बड़े मुझसे वरी हो जाते हैं कि हम सब ने करना उसकी, वो मैं अकेला डिसाइड नहीं करता, मेरी पूरी टीम डिसाइड करती है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसमें, प्रोडक्शन डिज़ाइन है, बोलने की पावर है, कुकिंग आप कितनी अच्छी करते हैं, स्पॉन्टेनियस आप कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैटर होती हैं उसमें, जो देखा जाएगा उनको चूज़ करके उनको इंडिविजुअल प्रोग्राम करने का मौका दिया जाएगा, हम उस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर वैसा मौका पिंकी रौनक आप लोगों को मिला तो करोगी? जी, कर लेंगे। ओके, कर लेंगे, सही है। तो पिंकी और रौनक, आप अभी जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जब स्कूल्स खुलें तो हम यहाँ पर आप सबको बुलाएं, तो आप कहाँ से हो? आप पेशावर से हो? जी जी। तो आप लाहौर आओगे फिर? हाँ, कोरोना के बाद, बिल्कुल सही है, कोरोना में अपना ख्याल रखें, जैसे आपको आपकी गवर्नमेंट और आपके पेरेंट्स समझाते हैं बिल्कुल उसको फॉलो करें। पिंकी रौनक, आपको हमारा शो कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी अरेंजमेंट है बहुत अच्छी। ओके, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने शो को और बेहतर करेंगे। आपका आने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा हम स्टे इन टच रहेंगे, जैसे मैं आप सबके साथ व्हाट्सएप पे रहता हूँ, आप सारे के सारे मुझे अपनी फीडबैक भेज सकते हैं शो की इम्प्रूवमेंट के लिए, आप मुझे आइडियाज़ भेज सकते हैं कि ये बात करें हम वो भी करेंगे, आप आइडिया भेज सकते हैं कि इसके अंदर आप ये वाली गेम्स डालें हम वो भी डालेंगे, या आप ऐसे प्रोग्राम्स आके लेके आएँ, वो आप सब आइडियाज़ मुझे भेज सकते हैं जिसको हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच पिंकी और रौनक। अब मेला सजने लगा है, मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ पर, ये जो मेरे बच्चे मेरे दोस्त, इनके लिए आप सब के लिए बुलाऊंगा आपकी फेवरेट आपीस,
बल्कि मैं यूं कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान की आप ही पूरे इंजॉय किड्स के जितने फैंस हैं उनकी फेवरेट आप ही आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बुलाता हूं पूरे पाकिस्तान की चंदा तारे की चंदा आप ही। अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल Enjoy Kids। हमारे YouTube चैनल Enjoy Kids को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग Enjoy Kids।